नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूवी केमिस्ट्री में। और आज अपन सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने पिछले वीडियो में सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने क्लासिफिकेशन और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। आज अपन उसके आगे का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। वेरियस प्रॉपर्टीज तो पढ़ लिया था अपन ने, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग में चार तरीके सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। उसमें अपन ने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे आयोनिक सॉलिड्स के बारे में, उसके बाद मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में। चलो देखते हैं क्या होते हैं ये। फर्स्ट बात आती है आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स में क्या होता है, आयोनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आयंस। आयंस अपने को पता है दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट रहते हैं। और अपने को एक बात ये भी पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो जब अपोजिट चार्ज होते हैं तब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस या इसको कूलम्बिक फोर्सेस भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस इनके बीच में प्रेजेंट रहते हैं, इस कारण ये क्या बनाते हैं आगे, आयोनिक सॉलिड्स बनाते हैं, आयोनिक सॉलिड्स बनाते हैं। उसके बाद बात आती है कि आयोनिक सॉलिड्स का फिजिकल नेचर कैसा होता है। आयोनिक सॉलिड्स जनरली हार्ड होते हैं नेचर में, बट ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब रंगूर, मतलब अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है या थोड़ा सा भी इनको दबाया जाता है तो क्रिस्टलाइज क्रिस्टल टाइप से होने के कारण ये आपस में टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं, ठीक है, ब्रिटल। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत ज्यादा हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं आयोनिक क्रिस्टल्स के, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेटिक जो फोर्स है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट रहता है, और इसी कारण इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं या बहुत ही ज्यादा हाई रहते हैं। उसके अलावा जब अपन बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी की, तो ये मॉल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं या इंसुलेटर होते हैं। ओके, तो ये हो जाता है आयोनिक सॉलिड्स के बारे में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने को सब में याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस होता है, और उसके अलावा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं वो अपने को याद रखना है। ओके, उसके बाद बात आती है मेटेलिक सॉलिड्स की। तो मेटेलिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो होते हैं वो होते हैं मेटेलिक आयंस। मेटेलिक आयंस क्या होते हैं, मेटेलिक आयंस और पॉजिटिव आयंस, मेटेलिक आयंस और पॉजिटिव आयंस। इनके एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं, NaCl, ZnS and many other, जो भी आयोनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे अपन देखते हैं मेटेलिक आयंस होते हैं और पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट रहते हैं। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का एक पूरा ओशियन टाइप से ओशियन होता है, मतलब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं, उनके साथ ही मेटल आयंस, मेटेलिक आयंस या पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है यहाँ पे, कि मेटल मेटल आपस में जुड़ के बॉन्ड बना लेते हैं, और बाकी ये थर्मल और इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ये थर्मल मतलब हीट के भी कंडक्शन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन करते हैं। उसके अलावा मेटल्स की और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मेलेबिलिटी हो गई, डक्टाइलिटी हो गई, टेंसाइल होना, तो ये सारी मेटल्स की वैसे ही प्रॉपर्टी अपने को पता है। तो इसमें एग्जांपल हो गया कॉपर, अर्जेंटम एंड मेनी अदर मेटल्स, ठीक है। तो ये हो जाता है मेटेलिक सॉलिड के बारे में। उसके बाद अपना लास्ट आता है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के बारे में जब अपन बात करेंगे तो सबसे पहली बात आती है कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनके होते हैं एटम्स, परमाणु। एटम्स जो होते हैं वो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, और एटम में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से यहाँ पे क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण
यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं जिसको बोलते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड आपस में जुड़ जाते हैं, दो एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, ज्यादा होता है। और इसी कारण कोवेलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण इनको कोवेलेंट सॉलिड भी बोला जाता है या नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है, ठीक है। और ये हो जाता है अपने कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में। इसके एग्जांपल्स की बात की जाती है, जिसके एग्जांपल हो जाते हैं अपने, एक तो हो जाता है डायमंड, सिलिका कार्बाइड, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं। यहाँ पे अपन एक एक्सेप्शन अपने को देखने को मिलता है। एक्सेप्शन जो होता है वो होता है ग्रेफाइट का। अपन जानते हैं ग्रेफाइट का नेचर सॉफ्ट होता है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकली कंडक्टर भी होता है, बट जबकि जो भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं ये एक तो इंसुलेटर होते हैं और हार्ड होते हैं, जबकि जब अपन ग्रेफाइट की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। और उसके अलावा वो सॉफ्ट नेचर का होता है ग्रेफाइट, जबकि ये हार्ड नेचर का, हार्ड नेचर की होता है कोवेलेंट सॉलिड। तो यहाँ पे ग्रेफाइट एक तरीके से एक्सेप्शन होता है कोवेलेंट सॉलिड्स का। तो ये हो जाता है अपना क्लासिफिकेशन कंप्लीट, जिसमें आज अपन ने आयोनिक, मेटालिक और कोवेलेंट तीनों टाइप के सॉलिड्स को पढ़ लिया है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्रिस्टलाइन लैटिस, मतलब मेनली अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन लैटिस, स्ट्रक्चर कैसे होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसके बारे में पढ़ना। उसमें अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन लैटिस एंड यूनिट सेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है और इसी के बेस पे आगे वाला पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, देन अपन आगे पढ़ते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेशन में लिख के पूछ सकते हैं, ओके। आई थिंक बहुत सिंपल है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं आगे, क्या होते हैं क्रिस्टल लैटिस एंड ऑल। चलो देखते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। फर्स्ट थिंग ही आती है, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। तो जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अपने को पूरा चैप्टर इसी के ऊपर पढ़ना है। जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो उसके अंदर एक पूरा एटम्स का या आयंस का या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, अरे ऑफ एटम्स एंड आयंस और मॉलिक्यूल्स, तो एक पूरा अरेंजमेंट होता है और वही अरेंजमेंट जो होता है वो कहलाता है क्रिस्टलाइन लैटिस। ये एक तरीके से अरे अरे बोलते हैं अरेंजमेंट होना या ढांचा बनाना, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर जो होती है, तो वो होता है अरे ऑफ एटम्स आयंस, ये पूरा मिलके एक क्रिस्टल सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और अरे जो है ये क्रिस्टलाइन एटम्स जो पूरा क्रिस्टल सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब बात आती है यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल को बोला जाता है स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट रिपीट इन ऑल डायरेक्शन, रिपीट इन ऑल डायरेक्शन। जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है इस पूरे लैटिस का, छोटा सा पार्ट होता है, मैं आपको इसका डायग्राम बना के बता देता हूं। एक क्यूब के समान आप मान सकते हो, ये एक क्यूब हो गया, ये एक यूनिट सेल है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जो कि ऑल डायरेक्शन में रिपीट होती है और उसके कारण पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोला जाता है यूनिट सेल। मतलब उसकी मैन जो इकाई है, या इसको मान सकते हैं यूनिट है इसकी, क्रिस्टलाइन लैटिस की। ये क्यूब जैसी होती है, अपन क्यूब जैसी मानते हैं इसको, यूनिट सेल के क्यूब के समान होती है, ये क्यूब हो गया। और इसी में अपन आगे पढ़ेंगे यूनिट सेल के टाइप्स और यूनिट सेल के पैरामीटर्स और क्रिस्टल लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स। बात ये आती है कि अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन लैटिस की जब बात की जाती है तो इस यूनिट सेल के बेसिस पे, यूनिट सेल टोटली 7 टाइप्स की होती है ना, टोटली 7 टाइप्स की अपने को अलग अलग यूनिट सेल्स देखने को मिलती है, आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा। तो इन यूनिट सेल के बेसिस पे 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिलते हैं, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम,
सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम अपने को देखने को मिलते हैं, जिसमें होता है फर्स्ट होता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और एक लास्ट होता है ट्राइक्लिनिक। ये सेवन टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं, जिसमें अपन सिर्फ और सिर्फ इस क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसकी इसके अंदर तीन टाइप की यूनिट सेल्स प्रेजेंट रहती है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अपने को मेनली जो अपना फोकस रहेगा वो क्यूबिक यूनिट सेल पे रहेगा। इन सब के बारे में अपन जनरल इंट्रोडक्शन टाइप से पढ़ेंगे एक पूरी टेबल में, बट मेन अपना जो फोकस रहेगा वो क्यूबिक सिस्टम पे रहेगा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल क्रिस्टल सिस्टम एंड टोटल 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस होंगे। और 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं इनको ब्रेवे लैटिस बोला जाता है, ब्रेवे नाम के एक साइंटिस्ट ने इनको बताया था, तो उसकी बेसिस पे इनको ब्रेवे लैटिस, ब्रेवे लैटिस बोला जाता है, ब्रेवे लैटिसेस बोला जाता है, मतलब कुल मिला के 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस अपने को देखने को मिलेंगे, जिनके 7 टाइप होते हैं सिस्टम्स के। तो 7 टाइप से अपने को 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस मिलते हैं अलग अलग यूनिट सेल से। हर किसी यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये तीन टाइप की यूनिट सेल है, तो तीन टाइप की यूनिट सेल मतलब तीन तरह के क्रिस्टल सिस्टम अलग अलग, क्योंकि अपन क्या बात कर रहे हैं, यूनिट सेल क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होती है जिसका रिपीटेशन होता है ऑल डायरेक्शन में, तब जाके एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है। इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक है उसके बारे में उसमें अपन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि लैटिस होता कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस पढ़ते हैं। चलो जैसे अपन ने क्या किया था, एक अपन क्या करते हैं बड़ी सी यूनिट सेल बना लेते हैं, तो अपने को क्रिस्टल बनाने में आसानी रहेगी। एक आपने क्या किया, बड़ी सी यूनिट सेल बना ली, ये बड़ी सी यूनिट सेल होगी और इस यूनिट सेल को ही आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। इस यूनिट सेल को जब आप डिवाइड करोगे यूनिट सेल को जब आप डिवाइड करोगे तब आपको बहुत सी ऐसी यूनिट सेल मिलेंगी, जैसे अब एक हो गई ये, यहाँ पे एक आगे एक और उसके आगे, तो ये एक क्रिस्टल लैटिस हो गया, है ना। तो क्रिस्टल लैटिस में सबसे पहले क्या होता है कि ऐसे डॉट से मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है हर पॉइंट को, तो ये जो डॉट होते हैं इनको बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस में लैटिस पॉइंट्स, मतलब जो भी डॉट होता है वो लैटिस पॉइंट्स बोला जाता है उनको, या पॉइंट से आप एटम्स को और इसको रिप्रेजेंट करते हो, इसको लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोला जाता है। और एक लैटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, एटम्स को, आयंस को, जो भी आपके क्रिस्टल लैटिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और जब इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है तो अपने को एक क्रिस्टल की ज्योमेट्री पता चलती है या एक लैटिस की ज्योमेट्री पता चलती है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ईच पॉइंट इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट एंड ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। एंड व्हेन यू जब आप सारे इसको जोड़ दोगे, व्हेन ऑल पॉइंट्स आर जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन, देन यू कैन फाइंड द ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल, फाइंड
ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। तो ये तो हो जाता है अपने जैसे जस्ट क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। उसके बाद अपन बात करेंगे पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि आगे अपने को यूनिट सेल के बारे में पूरा पढ़ना है। तो इसी का जस्ट एक भाग अपन इस पहला जैसे करके ले सकते हैं, अपने को जब इसका एक भाग चाहिए, मतलब एक एक टुकड़ा चाहिए, यहां से उठा के आपने यहां पे ले लिया और ये आपके पास एक यूनिट सेल आ गई, ये आपके पास एक यूनिट सेल आ जाती है। ओके आगे अब इस यूनिट सेल में अपन देखते हैं, तो यूनिट सेल के जो पैरामीटर्स हैं वो ये हैं कि एक यूनिट सेल में तीन एक्सिस प्रेजेंट रहती है। अपन यहां पे देख सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस प्रेजेंट रहती है। और ये जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट हो गया, यहां से ये जो डिस्टेंस है वो ए, ये डिस्टेंस जो है वो बी और ये डिस्टेंस जो है वो सी। तो ए बी और सी इन तीनों को बोला जाता है एक्सियल डिस्टेंसेस, एक्सियल डिस्टेंसेस। आप यहां पे देख सकते हैं इन तीनों को बोला जाता है एक्सियल डिस्टेंसेस, यहां से सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस जो है इनको, ठीक है। उसके बाद इस इंटरफेस के यहां पे एंगल्स प्रेजेंट रहते हैं अल्फा, ये यहां पे बीटा और ये यहां पे गामा। तो ये अल्फा बीटा और गामा इनको बोला जाता है एक्सियल एंगल्स, एक्सियल एंगल्स या एक्सियल इंटरफेशियल एंगल्स। तो अपन देख सकते हैं अल्फा किन किन के बीच में है, अल्फा है ए और बी के बीच में, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। बीटा किस किस के बीच में है, बीटा है सी और ए के बीच में। गामा किस किस के बीच में है, गामा है बी और सी के बीच में। तो ये तीनों एंगल हो गए, इनको आप इंटरफेशियल एंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि दो फेसेस के बीच में होते हैं, और इनको आप एक्सियल एंगल्स भी बोल सकते हो। एक आपको मतलब जनरल इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा बता देते हैं, एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप बात करते हो एक क्यूब की, तो यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहली बात है कॉर्नर्स कितने हैं, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स यहां पे कितने होते हैं एक क्यूब में, 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट रहते हैं। जब आप फेस की बात करते हो, फेस मतलब एक फलक, एक साइड, ये वाला एक साइड, 2 3 4, एक आगे और एक पीछे, 6 फेसेस प्रेजेंट रहते हैं एक क्यूब में। ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन पता होनी ही चाहिए, इसके बिना आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। कॉर्नर्स 8 होते हैं, फेसेस 6 होते हैं, और उसके बाद बात आती है एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 4 4 4 4 4 एजेस, एजेस की बात आती है तब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 और 12, मतलब टोटल 12 एजेस आर प्रेजेंट इन अ क्यूब, ठीक है। आगे अपन इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे, कौन मतलब कितना कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लो अगर कोई भी एटम यहां पे प्रेजेंट हो जाता है तो कॉर्नर पे वो कितना कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में, और अगर कोई एटम फेस के फेस पे प्रेजेंट है, जैसे मान लो सेंटर पे यहां पे प्रेजेंट है, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा एक यूनिट सेल में, और अगर कोई एटम एज पे प्रेजेंट है, यहां पे बीच में प्रेजेंट है, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा एक यूनिट सेल में, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी अपने को इतना याद रखना है कॉर्नर एक क्यूब में 8 होते हैं, फेसेस 6 होते हैं और एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये अपने को इंफॉर्मेशन याद रखनी है। तो इसमें अपन ने देख लिया है पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, और अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे, जिसमें अपन यूनिट सेल के टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद अपन ब्रेवे लैटिसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम अलग अलग कैसे होते हैं, उनके पैरामीटर अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि आप जब 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस पढ़ोगे तो सभी में आपको देखोगे कि किसी में एक्सियल एंगल अलग है, किसी में एक्सियल डिस्टेंसेस अलग है। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक अपन पढ़ेंगे कि ईच यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि
अगर यूनिट सेल में अपन सभी कॉर्नर्स पे एक एक एटम लग दे तो टोटल कितने 8 एटम प्रेजेंट होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। उसको अपन पढ़ेंगे आगे कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।